सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होगा भाई। अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देखोगे कि TVS की ये स्पोर्ट्स लगी है 110 सीसी का। जी हाँ, अगर आप हीरो में आओगे तो हीरो में 110 सीसी का आपको पैशन प्रो मिलेगा, ठीक है। अब आपको आज के इस वीडियो में इस बाइक का टोटली रिव्यू बताऊंगा और सबसे ज़्यादा इस बाइक का जो प्राइस है ना, वो अभी आप देखोगे 110 सीसी में अभी तक के ऑटोमोबाइल फील्ड में इतना कम प्राइस किसी भी बाइक में आप नहीं देखोगे। इवन आप प्लेटिना को भी चूज़ करोगे ना, तो वो भी आपको 84,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर लूँ तो 74,000 इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ TVS स्पोर्ट्स 110 सीसी, जिसको लोग माइलेज के चलते जानते हैं। अब ये बाइक कितना माइलेज दे रही है, कितना इसका लोन करना होगा, क्या डाउन पेमेंट है, इस पे कितना साल का वारंटी मिलता है, क्या कुछ फंक्शन मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है इसका, हर एक चीज आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट साइड में। तो इसका जो वाइजर सेक्शन देखोगे, आपको कहीं ना कहीं ना TVS का स्टार सिटी जो है ना, उसका लुक आपको आगे साइड से ये देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको TVS का बैजिंग मिलेगा और इसका जो हेडलाइट सेक्शन है, ये आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन में मिलता है। आपको मैं एक बार यहाँ से चेकआउट करा देता हूँ। और दूसरा चीज़, इसमें भी सेल्फ मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक बार फिर से आप यहाँ से चेकआउट करना, ये देखोगे तो आपको हेलोजन में इसका हेडलाइट मिलेगा। और बल्ब की अगर मैं बात करूँ तो बल्ब में आपको इसका टर्न इंडिकेटर मिलता है। ये देख रहे हो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर बल्ब में, हेडलाइट आपको हेलोजन में मिलता है। और फ्रंट में देखोगे तो TVS का बैजिंग मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट के टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो फ्रंट का जो टायर सेक्शन है, ये 2.75 का 17 इंच का टायर सेक्शन मिलता है, क्योंकि 17 इंच का आपको कंपनी TVS का टायर देती है विद सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन के साथ आपको ये इसका सस्पेंशन जो देख रहे हो ना, ये आपको टोटली टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन के साथ इसका आपको फ्रंट में मिलता है। इसके साथ साथ कंपनी फिटेड आपको इसमें लेग गार्ड मिलता है, काफ़ी बड़ा लेग गार्ड मिलता है, जिससे आपका गाड़ी गिर विर भी जाएगा तो कहीं भी कोई स्क्रैचेज नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंजन की बात करें तो 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि पावर 8.19 PS की देती है और 8.3 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराती है। बाकी गियर सिस्टम आप यहाँ पे सारा देख रहे हो कि वही नॉर्मल वाला, कोई भी आपको इसमें मॉडिफाइड नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक आप देखोगे यहाँ पे TVS का 3D में क्रोम के ट्रीटमेंट में बैजिंग मिलता है, ड्यूरा लाइफ का आपको यहाँ पे स्टिकरिंग मिलेगा और 10 लीटर के फ्यूल टैंक के कैपेसिटी के साथ मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके मीटर कंसोल के पास देखोगे तो एनालॉग और सारा कुछ एनालॉग ही मिलता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न सेक्शन। हॉर्न आपको एक बार मैं यहाँ से, ये देख रहे हो सिंगल टाइप का हॉर्न है, बट भाई ये जो बटन्स है ना, ये आपको वही अपाची वाले ही मिलेंगे, जो अपाची में बटन्स मिलता है ना चौड़ा वाला, वही आपको बटन्स मिलते हैं। राइट साइड में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी अब आपको सेल्फ मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एनालॉग में सारा कुछ, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल, टर्न इंडिकेटर, पावर और इंजन, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है इसका इंजन, ये है आपको इसका हेडलाइट सेक्शन सारा कुछ, और मीटर कंसोल देख लिए। सीट की बात कर ले तो सीट आप देखोगे सिंगल टाइप में सीट मिलेगा। सीट कॉल के नीचे आप देखोगे स्पोर्ट्स का बैजिंग मिलता है। और यहाँ पर रियर में देखोगे तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन मिलता है। चैन कवर की बात करें तो चैन कवर आपको पूरा का पूरा फाइबर बॉडी में मिलता है। और यहां पे पीछे के टायर सेक्शन की बात करें तो 3.017 इंच के साथ आपको फ्रंट में इसका, सॉरी रियर में इसका टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। लेडीज फुटरेस्ट आपको यहां पे एज ए नेसेसरीज में ही लगा हुआ मिलता है। पीछे में बात कर लेते हैं तो यहां पे आप देखोगे इसका एग्जॉस्ट वाला काफी लंबा आपको एग्जॉस्ट मिलता है। और यहां पे आपको इसका स्पार्कल प्लग के साथ देखने को मिलेगा। BS6 का फेज 2 गाड़ी है तो 110 सीसी का आपको इसमें इंजन इनबिल्ट मिल जाता है। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक बार यहां पे इसके ब्रेक को अप्लाई करके दिखा देता हूं। ये देखो पीछे का जो टेललाइट सेक्शन है, ये भी आपको बल्ब में ही टेललाइट सेक्शन मिलता है। टर्न इंडिकेटर भी नॉर्मल मिलता है। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहां पे आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि 110 mm डायमीटर के साथ आपको यहां पे मिलेगा। टायर सेक्शन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 17 इंच का आपको यहाँ पे ये कंपनी TVS का ही टायर ऑफर कर देती है। और प्राइस भैया आप सुनकर कंफ्यूज हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया था 74,000 में ये आपको प्राइस मिलेगा। और इसका जो टॉप स्पीड है वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका टॉप स्पीड जाता है। और माइलेज की बात करें तो ये जो बाइक है ना, कंपनी क्लेम करती है 110 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो बाइक है ये ओवरऑल आपको 70 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। इसके साथ साथ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है
वो आप देखोगे 175 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। नीचे से कोई भी चीज है जो टच वच नहीं करेगा। और इसके साथ साथ इसका जो कर्वेट है वो 112 kg है, काफी लाइट है, लाइट वेट में मिलेगा। 110 cc का आपको इसका इंजन मिलता है, 112 kg का इसका कर्वेट मिलता है, 175 mm का आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और ये जो बाइक है ना, आप जब हाईवे पे चलाओगे या फिर आप बड़े ही आराम से मतलब चलाओगे ना, तो इसका जो पावर एंड पिकअप है ना वो बहुत तेज भागता है, ये चीज इसमें बहुत अच्छा है। माइलेज भी काफी अच्छा आपको निकाल कर देगी। इको थ्रस्ट इसको बोला जाता है भाई, इसका जो फ्यूल टैंक है ना, आप एक बार जनरली फूंक दोगे ना तो ये भी 5 किलोमीटर चल जाएगी। इको थ्रस्ट है ये, समझे, इको थ्रस्ट इसका आपको फ्यूल टैंक के पास देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी भी शो करती है इको थ्रस्ट का। तो ये था टीवीएस का स्पोर्ट्स, जो कि 74,000 रुपए के आसपास मिलता है, और इसमें आपको 5 साल का वारंटी भी देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से, डीलरशिप की तरफ से आपको 5 साल का वारंटी भी मिलता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि टीवीएस स्पोर्ट्स में आपको मिलता है। प्राइस की मैं बात कर लूँ तो हमारे यहाँ डाल्टनगंज शारदा टीवीएस में ये ब्लैक कलर का जो बाइक है ना, ये आप टोटली जो मैं ग्लॉसी ब्लैक में देख रहा हूँ, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 74,000 के आसपास है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।